नमस्कार किसान भाइयों, फसल सलाह के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसा रहेगा मौसम और आने वाले अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस मौसम के हिसाब से हम अपने किसानों को क्या सलाह देंगे जिससे फसल पैदावार में बढ़े और उनकी फसल खराब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो तमिलनाडु के हमारे किसान भाई हैं उनके लिए खबर आ रही है कि जो तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना देखी जा सकती है। दूसरी खबर है कि अंडमान निकोबार और दक्षिण केरल के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हिमपात के साथ बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ हमारे किसान भाइयों के लिए। जो खेती कर रहे हैं इन क्षेत्रों में वो पहले से ही सतर्क हो जाएं और व्यवस्था कर लें इन सभी जो प्राकृतिक आपदा है और व्यवस्था कर लें अपने फसल को बचाने की। अब बात करते हैं इन्हीं मौसम के हिसाब से हम अपने किसानों को सलाह देंगे जिससे अपनी वो फसल बचा सकते हैं इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिसमें आता है इलाहाबाद, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी। इन क्षेत्रों में तो उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जो गेहूं की खेती कर रहे हैं तो ये सही समय है सिंचाई का। आप अपने क्षेत्र में अपने भूमि में नमी के हिसाब से इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई है या फिर ज़्यादा बारिश हुई है तो उस हिसाब से आपने सिंचाई का प्रबंधन करें। दूसरी सलाह ये है कि जो सरसों की खेती कर रहे हैं हमारे किसान इस क्षेत्रों में फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चित्रकूट और कौशाम्बी जो क्षेत्र है उनमें जो सरसों की खेती कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हमें जो इस समय मौसम में बदली दिखाई दे रही है जैसे कि बादल की संभावना बढ़ रही है और बादल बहुत सारे क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। तो बादलों के कारण जो ये एफिड्स, पॉइंट बग्स, लीफी माइनर्स, इन सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं इनकी संभावना बढ़ जाती है सरसों के खेत में। तो इसके लिए आप ये दवा लिख लीजिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC 1 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें जिससे अवश्य आपको फायदा मिलेगा। और हाँ एक बात का और ध्यान रखें, इसका स्प्रे आसमान साफ होने पर करें, मौसम साफ होने पर ही इसका प्रयोग करें क्योंकि अगर आप बारिश से तुरंत बाद या बारिश से थोड़ा पहले कर लेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बारिश से धुल जाएगा। और अगर आप बारिश के बाद करेंगे तो जो पत्तियों पे केमिकल पड़ेगा वो प्रभाव अच्छा नहीं डाल पाएगा और कीटों को नहीं मार पाएगा। इसलिए आप लगभग 2 से 3 घंटे का अंतराल लें। जैसे बारिश अगर हो गई अभी तो उसके 2 से 3 घंटे बाद ही आप स्प्रे करें, या तो दो से 3 घंटे पहले या फिर 4 घंटे पहले ही स्प्रे करें, बारिश के समय स्प्रे ना करें, ये सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ही जो ये क्षेत्र हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इन क्षेत्रों में जो गेहूं की खेती हमारे किसान कर रहे हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि जो चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार देखने को मिल सकते हैं आपके खेत में तो उसके लिए आपको सल्फो सल्फ्यूरॉन 75% WP 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव करें, या फिर मेट्रीब्यूजिन 70% WP 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो आपकी फसल को फायदा ये अवश्य करेगा, जो चौड़ी और सकरी पत्ते वाले जो खरपतवार हैं उनसे आपको निजात मिल सकता है। ये प्रयास करें कि अगर आपके फसल में स्टार्टिंग में अगर आपको ये दिखे तो आप निराई गुड़ाई के माध्यम से इसको हटाएं। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में है तो ही आप वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। ये सलाह फसल सलाह की तरफ से आपको दी जाती है। चलिए आप बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की। चंबल संभाग और ग्वालियर के कुछ स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। बालाघाट, छतरपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना देखी जा सकती है। तो जो गेहूं के किसान हैं जो सेंट्रल नर्मदा रेंज है, जो केंद्रीय नर्मदा रेंज है हमारे हमारे MP के किसानों के लिए ये सलाह दी जाती है कि जो गेहूं के किसान हैं अगर उनको एफिड्स का अटैक दिखाई दे अपने गेहूं के खेत में तो वो इमिंडा क्लोप्रेट 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें जिससे अवश्य इस एफिड के अटैक से उनको निजात मिलेगा। तो ये थी जानकारी फसल सलाह की तरफ से। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारा फसल सलाह ऐप आप इंस्टॉल करें जिसमें आपको मिलेगी अगले आने वाले 10 दिनों का मौसम जानकारी वो भी सटीक, और आपको मिलेगी सारी फसल संबंधित जानकारी वो भी मुफ्त में। तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें फसल सलाह ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।